सोई तो रहे, ये लॉर्ड गवर्नर तो हमारी जान लेकर रहेंगे। फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? अभी 24 घंटे पूरे होने में 3 मिनट बाकी हैं। अच्छा, ऐसे लग रहा है जैसे हम सदियों से आपके गुलाम हैं। शट अप खुशी, 3 मिनट में डील पूरी होगी, जाकर दरवाजा खोलो। हाय रे सनका देवी, ये का है? अपनी आधी प्याली चाय के संग संग पूरे समोसे भी रात भर बाहर ही छोड़ दिए। लेकिन हम दरवाजा क्यों? इट्स एन ऑर्डर, जाके दरवाजा खोलो। मोहन भर? हाँ। 24,000 रुपए। चौबीस घंटे के लिए। हमारी मेहनत की कमाई, हमने खुद कमाई, किराए के पैसे हमने खुद कमा के आपको जीतने नहीं दिया। अब हेलो, चलो किराए की समस्या भी खत्म हो गई और बुआ जी को पता भी नहीं चला। वैसे देखा जाए तो लॉर्ड गवर्नर इतने भी बुरे नहीं है। खुशी जी, ये लीजिए। खुश? कितने हैं? पूरे 24,000। तो फिर ये पूरे कैसे हुए? ये तो आधे ही है, बाकी के 24 कहाँ है? क्या? हाँ, अब से जो नया मकान मालिक आया है ना, वो मेंटेनेंस के चार्ज भी लगा रहा है। लेकिन आपने हमें इसके बारे में पहले कुछ नहीं बताया। अब से लगेगा, तो पहले कैसे बताता? अब मुझे आगे नए मकान मालिक को देना है तो आपसे ही तो लेना पड़ेगा ना। क्या? हाँ, बाकी के 24,000 भी मुझे अभी चाहिए, वरना आपको घर खाली करना पड़ेगा। नए किराएदार तैयार खड़े हैं मेंटेनेंस की पूरी रकम लेकर। ये कैसी नई शर्तें हैं? आप उस नए मकान मालिक से बात क्यों नहीं करते? जी नहीं, मैं तो ठीक है। अगर आप इतना डरते तो हमें बताइए उनका दफ्तर कहाँ है, हम खुद बात कर लेंगे। हमें आपके नए डेवलप, हमारे नए मकान मालिक से मिलना है। कहाँ है वो? आप? लेकिन आप कौन? खुशी नाम है हमारा। उन्होंने अचानक से हमारी बुआ जी का किराया बढ़ा दिया है, लक्ष्मी नगर में रहती है। लेकिन आप इस सबके बीच में क्यों पड़ रही है? हम सीधा आपके बॉस से बात करेंगे। कहाँ है वो, बुलाइए उन्हें। हम अंदर जा सकते? मैम, कुछ बोल नहीं सकती, मतलब सब आपके ऊपर है। क्या? मैम, उन्होंने कहा है कि अगर आपको आपका किराया कम करवाना है, मतलब किराया घटाना है, तो आप साफ बताइए उन्होंने क्या कहा। मैम, उन्होंने कहा है अगर आपको अपना किराया कम करवाना है तो आपको उनके साथ उनके घर जाना होगा। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई? समझते क्या वो अपने आप को? हम आई एम सॉरी मैम, लेकिन उन्होंने जो कहा वो ही मैंने कहा। आप माफी क्यों मांग रही है? माफी तो हम इसकी तुम्हें। मैम 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 प्लीज मैम, बॉडरूम कहाँ है? प्लीज मैम, मैम 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 सुनिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमसे इतनी गिरी हुई बात कहने की? कि आप हमारा किराया तब कम करेंगे जब हम आपके साथ आपके घर आएंगे? आप जानते भी है कि हम शादीशुदा लड़की है। Everyone, please go out for now. बोलो। आप ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें ऐसा ऑफर दिया जो तुम रिफ्यूज नहीं कर सकती। तुम्हें सिर्फ घर आना है और मैं तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। हमने आपसे कहा था ना, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर आप ये सब क्यों कर रहे हैं? खुशी, तुम किराया कम करवाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ कराना पड़ेगा। नहीं। ओके? मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे तुम्हारा घर गिरवाना पड़ेगा। तुम और तुम्हारे घर वाले सड़क पर आ जाएंगे बराए कारों पर। ठीक है,
हमें मंजूर है। ठीक है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें पिकअप करने आता हूँ। नहीं मिस्टर नरसिंह रायजादा, इतनी तकलीफ मत उठाइए, हम घर जाने की बात नहीं कर रहे, आपको जो करना है आप कीजिए। आपको बुआ जी का घर गिराना है ना, तो गिराइए, हम भी इंतजार करेंगे आपके बड़े बुलडोजर का, बड़े से ट्रक का, बड़े अहम का, जिसे भेजना है भेजिए। जब हम बात करें तो बीच में मत बोलिए। वो क्या है ना मिस्टर रायजादा, आपके साथ रह के हम भी अपनी किस्मत खुद लिखना सीख गए हैं। मुस्कुराइए मत। क्यों? Why shouldn't I smile? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कुछ घंटों में क्या होने वाला है, इसलिए स्माइल कर रहा हूँ। कुछ घंटों की बात हम बाद में करेंगे, पहले अभी की बात करते हैं। मैं मदद कर दूं तुम्हारी? दूर रहिए हमसे। ये लीजिए, अब शायद इससे आपकी मुस्कुराहट कम हो जाएगी। ये लुक पहले देखिए, मैंने थैंक गॉड तुम्हारे हाथ में गर्म पैन है। क्या कहा बॉस ने, मेरे साथ आ कर रहो? यार बॉस की क्या गलती है, आइटम को देखा है, कोई भी देखेगा ऐसे ही बोलेगा, शायद मैं भी। उसका नाम आइटम नहीं, खुशी कुमारी गुप्ता, सिंह रायजादा, सिंह रायजादा, सिंह रायजादा, मेरी पत्नी है वो। अगली बार उसके या किसी भी लड़की के बारे में ऐसी बात की तो दोबारा इस ऑफिस में नजर नहीं आओगे। सॉरी सर।